अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार। एड्रेस रजबन का पुल नियर हनुमान चौक मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। गाजियाबाद व नोएडा पुलिस इन दिनों खासी सुर्खियों में है। महिला इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान व SHO दीपक शर्मा के काले कारनामों के बाद गाजियाबाद के SSP सुधीर सिंह विवादों के कटघरे में आ गए हैं। उन्हें विवाद में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका PRO पंकज कुमार ही है। पंकज ने पुलिस कप्तान द्वारा किए गए थानेदारों के तबादले पर सवालिया निशान लगाते हुए व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड कर दिए हैं। जिन थानेदारों ने नोएडा SSP वैभव किशन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उन्हें सुधीर सिंह ने क्यों मलाईदार थानों का चार्ज दिया, यह सवाल भी किया गया है। इसके अलावा एक दूसरे मामले में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर होमगार्ड का वेतन बिना ड्यूटी किए हड़पने का मामला भी सामने आया है। शासन स्तर पर जांच बिठा दी गई है और आशंका जताई जा रही है कि वेतन घोटाला करोड़ों तक हो सकता है। बहरहाल पुलिस के रखवालों ने दो जिलों को खासी सुर्खियों में ला खड़ा गया। सुर्खी यानी विवाद। बीते दिवस ही हमने बताया था कि यदि बाढ़ ही खेत को चरने लगे तो खेत का क्या हश्र होगा। इस कड़ी में महिला इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान व SHO दीपक शर्मा का नाम सामने आया था। लक्ष्मी पर आरोप है कि उसने अपने गैंग के साथ मिलकर बरामद धनराशि में से करीब 80 लाख रुपए हड़प लिए, जबकि दीपक पर आरोप है कि उसने भी अपने साथियों के साथ मिलकर 14 लाख रुपए ठिकाने लगा दिए। इन दोनों ही मामलों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर पोती गई कालिख अभी कम भी नहीं हुई थी कि दो और मामले सामने आ गए हैं। पहले बात करते हैं गाजियाबाद के SSP सुधीर सिंह की। इनके खास PRO हैं पंकज कुमार। पंकज ने अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से ग्रुप पर कुछ मैसेज फॉरवर्ड किए। इनमें लिखा है कि आखिर गाजियाबाद में भ्रष्टाचारियों को ही क्यों चार्ज दिया जा रहा है। इंद्रापुरम थाने के पूर्व प्रभारी दीपक शर्मा, जो सभी जिलों में भ्रष्टाचार के चलते हटाए गए, उन्हें भी इंद्रापुरम जैसे थाने का चार्ज क्यों दिया गया। कवि नगर थाना प्रभारी अनिल साहनी, जिन्हें नोएडा से ईमानदार SSP वैभव कृष्ण ने भगा दिया था, उन्हें गाजियाबाद में अति महत्वपूर्ण कवि नगर का चार्ज क्यों दिया गया। सवाल किया गया है कि क्या गाजियाबाद में आकर ये लोग भ्रष्टाचार बंद कर देते हैं। इंस्पेक्टर रमेश राणा, जिन्हें ट्रॉनिका सिटी का चार्ज दिया जा रहा है, उन्हें SP अपर्णा गौतम भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथों पकड़ चुकी हैं, जिस पर रमेश राणा ने SP अपर्णा को ही चौकी मोहन नगर पर बंदी बना लिया था। PRO के इस मैसेज से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बाद में PRO ने सफाई भी दी, लेकिन तब तक तीर हाथ से निकलकर DGP के संज्ञान तक पहुंच चुका था, जिस पर जांच बैठा दी गई है। गाजियाबाद जिला स्तर पर फिलहाल मामले की जांच SP सिटी मनीष मिश्रा को सौंपी गई है। एक दूसरा मामला है होमगार्ड के जवानों के वेतन से जुड़ा हुआ। SSP वैभव किशन ने बताया कि होमगार्ड विभाग के एक प्लाटून कमांडर ने शिकायत की थी कि फर्जी ड्यूटी दिखाकर वेतन हड़पा जा रहा है। इस पर जिले स्तर पर बतौर सैंपल 7 थानों में 2 माह मई व जून के दौरान लगाए गए होमगार्ड्स की ड्यूटी की जांच कराई गई। पाया गया कि करीब 8 लाख रुपए का घपला फर्जी मस्टर रोल तैयार करके किया गया है। थानों में लगाए जाने वाले होमगार्ड्स के मस्टर रोल पर थानेदार के भी हस्ताक्षर होते हैं, लिहाजा जांच में यह भी पाया गया है कि इस घोटाले में लिप्त विभाग के लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर व सील तैयार कर इस घोटाले को अंजाम दिया है। कुछ सील भी बरामद हुई है। उन्होंने इसकी जांच SP सिटी विनीत जायसवाल से कराई थी। SSP ने इसकी जानकारी शासन को देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी। बताया गया है कि शासन से इनकी अनुमति दे दी, साथ ही एक कमेटी बना दी है जो इस सारे घोटाले की जांच करेगी। इस कमेटी में DG होमगार्ड के सीनियर स्टाफ ऑफिसर सुनील कुमार, मिर्जापुर के वरिष्ठ जिला कमांडेंट शैलेंद्र प्रताप सिंह और बागपत के जिला कमांडेंट नीता भारती के अलावा मेरठ के मंडल कमांडेंट DD मौर्य शामिल हैं। इन्हें नोएडा भेज दिया गया है। टीम को जांच कर 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। होमगार्ड विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने आशंका जताई है कि यदि एक जिले में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो अन्य जिलों में भी ऐसा संभव है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जवानों से उनकी ड्यूटी लगाने के नाम पर भी कमांडेंट स्तर पर पैसा लिए जाने की बात समय समय पर सामने आती रही है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।